श्री गायत्री शक्तिपीठ गिरनार रोड जूनागढ़। श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से सुशोभित जूनागढ़ शहर पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध है। गिरनार पर्वत की गोद में बसा ये नगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए भी विख्यात है। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये नगर कभी चूड़ासम राजपूतों की राजधानी था। गिरनार के रास्ते में एक गहरे रंग की बेसाल्ट चट्टान है, जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिलालेख अंकित है। जूनागढ़ में गिरनार रोड पर बना श्री गायत्री शक्तिपीठ इस क्षेत्र के मुख्य मंदिरों में से एक है। श्री गायत्री शक्तिपीठ एक सुंदर और पावन धर्मस्थल है, जिसका निर्माण गायत्री परिवार ने कराया है। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में मूर्तियों की स्थापना 31 जनवरी 1981 को की गई। गायत्री शक्तिपीठ में मुख्य रूप से माता गायत्री और उनके प्रमुख रूपों जैसे माता सावित्री और माता कुंडलिनी की स्थापना की गई। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल मंदिर के 2 गर्भगृहों में माता गायत्री की अनेक सुंदर और आभापूर्ण प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें से एक प्रतिमा माता के 5 मुख और 10 भुजाओं वाले अलौकिक और विराट स्वरूप को दर्शाती है। इस प्रतिमा में माता गायत्री के भक्तों को माता की संपूर्ण तेजस्विता, शक्ति और महिमा के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में स्थित माता गायत्री की प्रतिमाओं का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। सुंदर वस्त्रों और आकर्षक मुकुट से सुशोभित माता गायत्री की छवि मन को हरने वाली है। माता रानी के मुखमंडल पर अलौकिक आभा के दर्शन होते हैं। गायत्री महाशक्ति के आवाहन से ही वेद मंत्रों का अवतरण हुआ, इसलिए ये वेद माता कहलाती हैं। गायत्री द्वारा ही वेद मंत्रों के अर्थ खुलते हैं। गायत्री की मंत्र शक्ति साधक की सभी बुराइयों, दुर्बलताओं और कुप्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। संसार के जन्म मृत्यु आदि दुखों के कारण मूलभूत पापों को नाश करती है। गर्भगृह की दीवार पर सुंदर अक्षरों में गायत्री मंत्र अंकित हैं। धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र की महिमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र का कहना है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों, सिद्धियों के प्रतीक हैं। माँ गायत्री का आंचल पकड़ने वाला साधक कभी निराश नहीं होता।
गायत्री की उपासना करने वाले सभी की मनोकामना पूरी होती है। शंभु नेत्र नित निरत करैया, भव भय दारुण दर पहरैया, सर्व काम क्रोधादि माया, ममता मत्सर मोह दाया। गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हरिद्वार स्थित गायत्री परिवार ने कराया है, जिसकी स्थापना युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की थी। उन्होंने ही गायत्री के तत्व दर्शन को जन जन तक पहुंचाया और उसे जन सुलभ बनाया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जीवन भर माता गायत्री की उपासना के लाभ को प्रचारित करते रहे। जाति पंथ लिंग भेद से परे गायत्री सार्वजनीन है, सबके लिए माता की साधना करने और लाभ उठाने का मार्ग खुला हुआ है। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का उद्देश्य भी यही है। मंदिर में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तस्वीरों को दर्शाया गया है। श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में बने एक सुंदर से मंडप में प्रखर प्रज्ञा गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा की तस्वीर स्थित है। मुख्य गर्भगृह में माता गायत्री की पंचमुखी प्रतिमा भक्तों को शक्ति के अलौकिक रूप के दर्शन कराती है। अलंकारिक दृष्टि से चित्रित किए गए गायत्री माता के पांच मुख अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के प्रतीक हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच देवियों और पांच मानस तत्व से संबंधित पांच देवताओं को मिलाकर गायत्री की 10 भुजाएं बनती हैं। वस्तुतः गायत्री माता शक्ति रूप है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। वो शब्द रूप आदि पांच भौतिक तत्वों से परे हैं। वो सर्वव्यापिनी अंतर्यामिनी सर्वशक्तिशाली एवं महिमामयी हैं। गायत्री की महिमा अपार है, वो भूलोक की कामधेनु है। संसार का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो माता गायत्री की कृपा से नष्ट न किया जा सके। विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो माता गायत्री के अनुग्रह से प्राप्त न की जा सके। जयति जयति गायत्री अम्बा, काटहु कष्ट न करहु विलम्बा, तब ध्यावत विधि विष्णु महेशा, लहत अगम सुख शांति हमेशा। गर्भगृह में अखंड ज्योति के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता गायत्री मंदिर के मुख्य गर्भगृह की दीवार पर गायत्री माता के पति भगवान सूर्य देव जी की विलक्षण तस्वीर शोभायमान है। सात घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य देव अपनी अलौकिक आभा से समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करते प्रतीत होते हैं। मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर ओम शब्द अंकित है। मंदिर में भक्त फूल माला धूप दीप इत्यादि से माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया करते हैं। माता गायत्री के इस मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा है। मंदिर के द्वार
दोपहर को कुछ समय के लिए बंद रखे जाते हैं। उस समय भक्त मंदिर के प्रांगण में बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया करते हैं। श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में गायत्री माता के समीप ही एक अन्य गर्भगृह में माता सरस्वती, माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। सनातन धर्म की इन तीन आदि शक्तियों की महिमा से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। माँ सरस्वती आदि देव ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। ये विद्या की देवी कहलाती हैं। कला और संगीत उनके वरदान स्वरूप हैं। माँ दुर्गा पार्वती का ही एक रूप है जो उन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए धारण किया था। माता गायत्री भी दुर्गा का ही एक रूप है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सहचरी है और वो धन, संपदा, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी कही जाती है। मंदिर की एक दीवार पर एक छोटा सा मंडप बनाया हुआ है। इस मंडप में भगवान श्री गणेश विराजमान हैं। मंडप पर सुंदर रंगकारी की गई है। गणपति बप्पा कमल के फूल पर विराजमान है। गणेश जी को सर्वाधिक पूजे जाने का वरदान प्राप्त है। गणपति बप्पा के दर्शन एक झरोखे से किए जाते हैं। गणेश जी शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका नाम गणपति भी है। माना जाता है कि संसार के जो भी साधन हैं, उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी नए काम की शुरुआत गणेश जी का नाम लेकर की जाए तो वो सफलतापूर्वक संपन्न होता है। गर्भगृह के सामने की दीवार में बने एक मंडप में पवन पुत्र श्री हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी सदा अपनी गदा के साथ सुशोभित होते हैं। हनुमान जी की ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है। श्री हनुमान जी इस धरती पर अजर और अमर हैं। उन्हें माता जानकी द्वारा अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ है। श्री हनुमान जी की लीला व शक्ति अपरंपार है। गर्भगृह की दीवारों पर जगह जगह गायत्री माता की तस्वीरें दर्शाई गई हैं। श्री गायत्री शक्तिपीठ में आकर मन यही कामना करता है कि कलयुग में स्वार्थ से परमार्थ की राह पर ले जाने वाली गायत्री माता की कृपा हर प्राणी मात्र पर बनी रहे। गायत्री माता अपने भक्तों को अपनी शरण में लेकर उन्हें करुणा की शीतल छाया प्रदान करने वाली वात्सल्य पूर्णिमा है। उन्हें हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। माता गायत्री की जय। गायत्री शक्ति पीठ की जय।